हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी डेयरी पे हैं। हमारी डेयरी भी देखिए काम चल रहा है, देख रहे हैं राशन मिलाया जा रहा है भूसे में, और इधर आप देख रहे हैं सारी भैंस ठंडी में धूप का मज़ा ले रही थी, देख रहे हैं एक एक भैंस करके आ रही हैं। ये देखो एक आ गई, बाकी एक एक करके भी नीचे से खुले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं अभी आपको। ये देखिए कुछ राशन चलाया जा रहा है, कुछ अभी बैठी ही हैं, ठंडी में धूप में बांध दिया जाता है। देखो एक एक करके खोले जा रहे हैं, देखो ये खोल दिए हैं, ये देखो एक एक करके खोली जा रही हैं, एक एक करके सब अंदर आए जा रही हैं, देख रहे हैं वो देखो ये आ गई, सब अपने ही नान पे जाके रुक जाएंगी। देख रहे हैं सब अपने अपने नान पे आके रुक जाएंगी, कोई किसी के नान में नहीं जाके खाएगा। ये देखिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं ये देखो देखना पड़ता नहीं, कभी कभी भैंसें लड़ भी जाती हैं आपस में एक दूसरे से। देखो ये इधर आएगी और वो उधर जाएगी, सब पहुंचते ही जुट गई। ये हमारे यहाँ एक देसी गाय है 10 लीटर दूध देने वाली, ये देखो ये अपने रास्ते पर इधर आ गई, इनका नाम उधर से लगेगा। और उधर देख रहे हैं सारे छोटे बच्चे हैं, वो देखिए सब अपना अपना चारा भी खा रही हैं। एक तरफ से सारे जुट गए हैं नांद पे, कुछ अभी नीचे बंधी हुई है। छोटी बड़ी मिला करीब 35 जानवर हैं अपने पास, सब अपना अपना राशन खा रही हैं। देखो इधर छोटे इधर बने हैं और दूध देने वाले इधर सारे, ये सारे दूध देने वाले, ये सारे इधर जितने हैं सब दूध देने वाले, और इधर ड्राई पीरियड वाले कुछ। ये देखिए ये भी गाभिन है, देख रहे गुस्सा है ये। सब अपने ही नान पे आके खड़ी हुई हैं, दूसरे के नान में बिल्कुल नहीं खाएंगे कोई, अपने ही नान में जाके। देखो वो आ रही है, वो भी ये बीच में जगह देख रहे हैं, ये बीच में अभी आएगी, वो इसी में जुट जाएगी, देख रहे हैं अभी आएगी। ये आ गई आके अपने ही नान में खड़ी हो जाएगी। ये देखिए देख रहे हैं ये चढ़ के खा रही है। देख रहे हैं कैसे चोरी हो रही है, ये देखो चढ़ के खा रही है, दूसरे के नान में चढ़ के खा रही है।
दिखाई पड़ रहा होगा आपको, सारी भैंसें एक तरफ से लाइन से जुट के खा रही हैं, देख रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो हरा चारा बोए थे हम, हरा चारा उस वाले खेत में लेके चल रहे हैं अभी हम, जो कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बो के रखे हैं, देख रहे हैं। ये है बरसीम, इधर पंपिंग सेट लगा हुआ है। ये देखिए कुछ हरी सब्जी यहाँ पे अंदर ही लगा के रखे हैं, गोभी, टमाटर, मिर्च, देखो छोटे बच्चों को देख रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इनको चारा दिए हैं, अभी सब मिलके एक साथ झुंड बना के खा रहे हैं। और ये बहुत छोटा है, इसको बांध के रखते हैं, नहीं तो ये सबको परेशान करता है। ट्रैक्टर लगा हुआ है, गोबर फेंकने जा रहे हैं ट्रैक्टर से। ये देखिए ये लोडर है, ये लोडर है, ये सारे छोटे बच्चे हैं, देखो राशन खा रहे हैं, देख रहे हैं। ये बछिया है, एक गाय का बच्चा वो है, और सबसे छोटा इधर दिख रहा है ना, ये इधर सबसे छोटा ये रहा। ये जितने इधर है ना, ये सब देखो ड्राई पीरियड पे, 12 लीटर दूध देने वाली भैंस है, ड्राई पीरियड पर है और बहुत अच्छी भैंस है। 3 साल की है ये, एक और 3 साल की है, 2.5 साल की 2 बच्चियां हैं। मतलब कि जितने दूध नहीं देते वो इस साइड हैं, जितने दूध देने वाले हैं सारे इस साइड हैं, देख रहे हैं। ये सारे दूध देने वाले हैं, और इन्हीं सारे के बच्चे हैं उधर, छोटे छोटे बंदे हैं। ये पर्दा देख रहे होंगे, पर्दा रात में गिरा देते हैं, ठंडक में काम करता है, और इधर ही पर्दा लगा हुआ है। और इन छोटे बच्चों को, छोटे जो बच्चे हैं इनको खुला छोड़ के रखे हैं हम, ये पाइप और पाइप से बांध के चारों तरफ घेर के रखे हैं, इसी में छोड़ देते हैं। सिर्फ ये अकेला एक बंदा है, ये इतना छोटा है ना, ये बहुत दौड़ता है, दौड़ने की वजह से इसको बांध देते हैं, बाकी सारे के सारे खुले रहते हैं, फ्री। रात में इसे बांधे जाते हैं, बाकी दिन में फ्री खुले रहते हैं। और ये देखिए, ये बछिया एक है, ये अपना तो जो खाते हैं सामने राशन चढ़ के खा लेते हैं, सब बहुत तेज़ हैं, चोरी करके खा जाते हैं। देखो ये इंतज़ार में है कि जैसे मुंह हटाएं हम फटाक से खा लेके निकल लें। एक ही बछिया है, ये एक गाभिन भैंस है, ये भी 3 साल की पड़िया है, और एक ये है 2 साल की पड़िया, ये भी गाभिन है, ये भी गाभिन है, ये भी गाभिन है, और ये कि 2 साल की पड़िया ये है, देख रहे हैं। इधर से दिखा दें एक बार,
ये देखो, ये हमारी देसी गाय बहुत अच्छा दूध देती है, 10 लीटर तक दूध देती है। देखने में लगता है कि 10 लीटर दूध नहीं देगी, लेकिन 10 लीटर दूध देने वाली गाय है ये, देसी गाय। और ये ब्लैक वाली 14-15 लीटर दूध तक दूध निकाली है। और ये दो दिख रही हैं, एक ये और एक ये, ये 18-18 लीटर दूध निकाल चुकी हैं, लेकिन इस बार शायद इतना ना निकाल पाएँ। अभी दूध निकालने का टाइम हो गया है, अभी सब जितने बच्चे हैं जिसके जिसके सब के पीछे ला के बांध दिए हैं, देख रहे हैं ये बांध दिए हैं, अभी और लेके आ रहे हैं। टाइम हो गया ना दूध निकालने का, तो उसी के हिसाब से जो भी भैंस का जो बच्चा होगा उसके पीछे बांध दिया जाएगा, जिससे कि दूध निकालने में आसानी रहे। बच्चा ये आ रहा है, अब ये इसकी माँ जहाँ होगी उसके पीछे बन जाएगी। देखो ये इसकी माँ उधर ही पीछे है, ये देखो यहाँ बंध गई, ये यहाँ बंधा है, इसकी माँ इधर है, और एक ये है, इसकी माँ इधर है, और अभी 4-5 पीछे हैं। अभी वो भाई साहब देख रहे हैं, अभी वो लाएंगे। दूध निकालने का इंतजाम हो रहा है। देखो पानी वानी इकट्ठा कर लिए हैं, बाल्टी इकट्ठा कर लिए हैं। ये की देखो, ये की आ रहा है, ये देखो आ रहा है, सवा चार 4:30 होने वाला है, 4:15 हो गया है। 4:15 बजे से दूध निकालने का काम स्टार्ट हो जाता है। देखो बैठ गए हैं भाई साहब बिना रस्सी बांधे हुए, पैर का पैर में बिना रस्सी बांधे हुए बैठ गए हैं, और इसका दूध निकालेंगे। इसका बच्चा मर गया है, ये देखिए शंकर जा रहे हैं दूध निकालने एक भैंस का। ये छोड़ दिए, ये पूंछ बंधी, पूंछ बंध गई, पूंछ मार नहीं पाएगी, ये पूंछ बंध गई। अब इधर बस इतना छोड़ के दूध उतार लेगी, उसके बाद दूध निकाल के एक एक छाती इसको दे देंगे दूध, छाती धुलेंगे। छाती धुलने के बाद सफाई का पूरा इंतज़ाम यहाँ पे होता है, न पूछ मारेगी, ना भैंस गंदी है, साफ पानी से स्तन साफ किया। तो ये देखिए, देख रहे हैं इधर, देखो ये दो हाथ से दूध नहीं निकाल पाते, इसलिए मग्गे में लगाते हैं, देख लो। और थन की सफाई देख लो, ज़बरदस्त थन सब साफ किए हुए हैं, पूरी गाय भी साफ है, एकदम साफ, हाथ साफ, थन साफ। ये देखो स्टार्ट हो गया दूध निकालना, देख रहे हैं बड़े प्यार से दूध निकलता है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन, जो घंटी का बटन, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन दिखता है ना, उसको ज़रूर क्लिक करें, उस पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।